नो अबाउट द डेवलपमेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन कि कितनी कौन कौन सी डेवलपमेंट पॉलिसीज अप्लाई की गई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में 1950 से लेकर 1990 तक ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद की चीज़ें हैं कि जो इंडिपेंडेंस होने के फर्स्ट चैप्टर मैं आपने पढ़ा इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से पहले इकोनॉमी क्या थी और फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद 1990 तक इकोनॉमी क्या रही और कौन सी जो पॉलिसीज है वो अप्लाई की गई ताकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जा सके देन द थर्ड पॉइंट इज लर्न टू थिंक अबाउट द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ रेगुलेटेड इकोनॉमी जो रेगुलेटेड इकोनॉमी है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन ठीक है हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका सबसे पहला टू पॉइंट वन इस वीडियो में हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन इंडिया वॉक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम यानी हमें जो इंडिपेंडेंस है वो कब मिली इसके अंदर ठीक है फिफ्टींथ अगस्त नाइनटीन को मिली थी फाइनली वर मास्टर्स ऑफ ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 हंड्रेड इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आवर ओन हैंड्स अब क्योंकि 200 साल ब्रिटिशर्स ने क्या किया है रूल किया है इंडिया के ऊपर तो अब जब हमें आज़ादी मिल चुकी थी तो उसके बाद में जितना भी अब नेशन को बिल्ड करना था यानी अपने देश की जो प्रगति करनी थी राष्ट्र का निर्माण करना था वो सब अब हमारे खुद के हाथों में था द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड अमंग अदर थिंग द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सुटेबल फॉर अवर नेशन अम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रेदर देन अ फ्यू तो अब इंडिया को यह डिसाइड करना था कि वो किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम अपनी कंट्री के अंदर अप्लाई करे ठीक है ताकि क्या हो जो इंडिया का जितना भी हो वो भले से भला हो सके इसका तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत सारे टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम थे मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विल बी गिवन इन दिस बॉक्स वी विल डिस्कस इज लेटर ऑन इन अनदर वीडियो एंड अमंग सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट क्योंकि उससे पहले देखिए पूरी दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम्स अप्लाई किए गए थे ठीक है वो कैपिटल इकोनॉमी थी वो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी हुई वो मिक्स्ड इकोनॉमी हुई तो लेकिन सबसे जो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके लिए जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के तो सोशलिज्म जो था वो सबसे ज़्यादा अपील किया था उन्हें हाउएवर ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ काइंड ऑफ सोशल एस्टेब्लिशमेंट इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ऑल द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इन द कंट्री वर ओन बाय द गवर्नमेंट लेकिन वो इस तरीके के सोशल इकोनॉमी के फेवर में नहीं थे जैसे उस टाइम पे जो पहले सोवियत यूनियन था उसमें जितनी भी फैक्ट्रीज थी या जो खेत थे कंट्री के वो सब किसके कंट्रोल में थे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे वो एंड देयर वॉज नो प्राइवेट प्रोपर्टी उस टाइम पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी so it is not possible in a democracy like india for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizen in the way that it was done in the former soviet union so, but अब इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं था कि जो ऑनरशिप पैटर्न था जमीनों का वो बदल दिया जाए कोई कानून थे उनको चेंज कर ले जैसा कि उस समय के सोवियत यूनियन में था क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी किसी का जो अधिकार था वो और किसी का नहीं था देन नेहरू एंड मैनी अदर लीडर्स इट नेहरू एंड मैनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया शॉर्ट एंड अल्टरनेटिव to the एक्सट्रीम versions ऑफ कैपिटलिज्म एंड socialism. तो जो नेहरू थे और बहुत सारे जो दूसरे लीडर्स थे जो और इसके अलावा जो थिंकर थे उन्होंने एक नए इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में कहा और उसका जो हमारा सोशलिज्म था उसके लिए एक अल्टरनेटिव देखा जो एक्सट्रीम वर्जन थे कैपिटलिज्म के और सोशलिज्म के ठीक है उन दोनों का ही उन्होंने क्या ढूँढा एक अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया So basically sympathizing with the socialist outlook they found answer in an economic system which in their view combined the best features of socialism without its drawback in this view india would be a socialist society with a strong public sector but also with private property and democracy the government would plan for the ठीक है बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट दिस कि अब उस दोनों का अल्टरनेटिव ढूंढा गया इंडिया के अंदर कि यह है कि जो गवर्नमेंट है वो भी ओन करे कुछ ना कुछ और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और डेमोक्रेसी वो भी मेंटेन रहे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कुछ प्लांस किए प्लांस भी एक बॉक्स टू पॉइंट टू में है वो भी डिस्कस करेंगे हम फिर ठीक है ईयर लेट्स स्किप दीज बॉक्सेस इज एंड सी ही

अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1948 का और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने इस आउटलुक को देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी हमारे जो प्लान है वो उसका पार्ट हो इन 1950, फिफ्टी द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन द एरा ऑफ फाइव ईयर प्लान हैड बिगन और सबसे पहले जो 1950 में जो प्लानिंग कमीशन था वो कब हुआ 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था और जिसमें सेट जो प्राइम मिनिस्टर और ये तय किया गया कि जो उसका चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होगा और इस तरह से इंडिया के अंदर जो फाइव ईयर प्लान था वो बिगिन हुआ हालांकि अब डिज़ोल्व कर दिया गया नीति आयोग वगैरह आ रहे तो प्लानिंग कमीशन को डिज़ोल्व कर दिया गया अभी तो लगभग ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान्स इंडिया के चल चुके थे उसके अंदर Let's see whatever there is in this topic. We will discuss it later on. The now in the next video we will discuss about uh, this. The boxes given here. What is what type of economies they are talking about, and what are the plants there?